गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चौथा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने तीन मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने उन तीन में से कोई वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई विद्यार्थी 12th क्लास में 95% या इससे अधिक परसेंटेज बनाना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे रखी है। ऐप की लिंक से वो विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट के नोट्स और 10-10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको केवल ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप लोग आसानी से 10-10 मॉडल पेपर पढ़कर 95% से अधिक मार्क्स ला सकते हो। अब स्टूडेंट, चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। और अपना मेन पॉइंट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। जैसा कि आप सभी लोग मुझे बार बार कहते हो कि सर मॉडल पेपर कराओ, सर क्वेश्चंस कराओ, तो आज उसी सीरीज में ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद कमेंट करना, और जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पहले प्रश्न की, जैसा हमारे 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, पहला प्रश्न है अपना जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर हम किसी मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाते हैं तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जीवांश पदार्थ का मतलब क्या है? उपजाऊ पदार्थ। अब मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता दूं, ये बताओ ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है या सामान्य मृदा की धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है? ह्यूमस की ज्यादा होती है ना। अब ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ह्यूमस में जीवांश पदार्थ क्या है, ज्यादा मात्रा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवांश पदार्थ मिलाने से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान, सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? कायांतरित चट्टान होती है, और उसी का हमें एग्जाम्पल बताना है। तो यहां हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट संगमरमर। संगमरमर क्या है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। बाकी अगर मैं बात करूं जो सिलेटी पत्थर है, अब्रक है, पीट है, ये कैसी है? ये अवसादी चट्टान है, ध्यान रखना ये अवसादी है। बाकी संगमरमर कैसी है? कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट में अगर बात करूं भूपर्पटी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? भूपर्पटी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? भूपर्पटी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, भूपर्पटी का मतलब है मृदा की सबसे ऊपरी परत, मृदा की सबसे ऊपरी परत। अब इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन कितना होता है तो ध्यान रखना ये होते हैं 75%। क्या होते हैं? 75% होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं निम्न में से किस संस्तर को निचालित संस्तर कहा जाता है, किस संस्तर को निचालित संस्तर कहा जाता है? अब ये ध्यान रखना, ये वाला जो हमारा प्रश्न है वो काफी इंपोर्टेंट है। निचालित का मतलब क्या हुआ? मृदा का वह संस्तर कौन सा है जिसमें से पोषक तत्व नीचे की ओर जाते हैं। अब वो संस्तर कौन सा है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा, वो संस्तर है ए। अब यहां क्या पूछा है? निचालित संस्तर तो कौन सा होगा? ए संस्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मृदा के जन्म निर्माण एवं वितरण से संबंधित विज्ञान है। काफी अच्छा प्रश्न है, मृदा के जन्म निर्माण और वितरण से संबंधित विज्ञान है। अब ये आप लोगों को भी पता होगा क्या है, वो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किसमें? पेडोलॉजी में। फसलों से संबंधित मृदा का अध्ययन किसमें? इडेफोलॉजी में। और यही यहां पूछा गया है। पोमोलॉजी क्या है? फल विज्ञान। एग्रोनॉमी क्या है? सस्य विज्ञान। बाकी बचा कौन सा? पेडोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? पेडोलॉजी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलें अगले प्रश्नों पर। मेरे ख्याल से सारे ही प्रश्न मैंने काफी अच्छे बनाए हैं और बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं सोचे कि ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ये सारे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे और आपके जेट आईसीआर के पेपर में भी आएंगे, तो इसलिए बड़ी ध्यान से ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं सिलिकेट के लिए कितने प्रकार की होती है, काफी अच्छा प्रश्न है, सिलिकेट के लिए कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको बता दूं ये 3 प्रकार की होती है।
सर तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार मोंटमोलियोनाइट, दूसरा प्रकार इलाइट और तीसरा प्रकार केओनिलाइट। ये तीनों क्या है? सिलिकेट किले के प्रकार है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, निम्न में से किसकी धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसकी धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, मोंटमोलियोनाइट, केओनिलाइट, इलाइट और हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ राइट आंसर की अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो होगा हमारा मोंटमोलियोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा। उससे कम किसकी होती है? इलाइट की। इससे कम किसकी होती है? केओनिलाइट की। सबसे कम किसकी होती है? हाइड्रोक्साइड की होती है। यानी सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता इनमें से किसकी है? तो मोंटमोलियोनाइट की है। नेक्स्ट में अगर बात करूं निम्न में से ऋणायन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा है। निम्न में से ऋणायन है, आपको बताना है कि इनमें से ऋणायन कौन सा है? नाइट्रेट, फास्फेट, क्लोराइड और उपयुक्त तो सभी। अब देखो अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं NO3-। तो क्लियर हो गया, ऋण आवेश है ये, माइनस चार्ज है। फास्फेट को हम क्या लिखते हैं? HPO4-। क्लियर हो गया, क्या है? ऋणावेश है। क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं? Cl-। क्लियर हो गया, ऋणावेश है। तो ये सभी क्या हैं? ऋणायन है। यानी हम कह सकते हैं कि ये चार तीनों क्या हैं? ऋणायन है। नेक्स्ट में अगर बात करूं पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने कब की, ये काफी अच्छा प्रश्न है, एक बार जेट में भी पूछा गया है। पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने कब की? तो इसमें ध्यान रखना ये की थी आपकी 1909 में। पीएच स्केल को कब खोजा गया? 1909 में खोजा गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं निम्न में से अम्लीय मृदा सुधारक है, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से अम्लीय मृदा सुधारक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, डोलोमाइट, खड़िया, चूना और उपयुक्त सभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां मृदा सुधारक की बात करें किसकी? अम्लीय। तो ये सारे ही क्या है? अम्लीय मृदा के सुधारक है। सारे क्या है? अम्लीय मृदा के सुधारक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर, काफी अच्छे लगेंगे आपको अगले वाले प्रश्न भी। चलिए दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स अपना, तो देखते हैं। अगला प्रश्न है कृषि कार्यों में उपयोगी जिप्सम की शुद्धता होती है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। कृषि कार्यों में उपयोगी जिप्सम की शुद्धता होती है, तो मैं आपको बता दूं ये होती है 80%। कृषि कार्य में उपयोगी जिप्सम की शुद्धता कितनी होगी? 80% होगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं निम्न में से पादपों में अधिक गतिशील पोषक तत्व है, ये प्रश्न 2024 जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ है कल जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था कि निम्न में से पादपों में अधिक गतिशील पोषक तत्व है, तो ये पेपर मैंने पहले बना लिया था, ध्यान रखना। तो इसमें से अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, अगर मैं अधिक गतिशील की बात करता हूं तो ये तीनों ही तत्व कैसे हैं? अधिक गतिशील है। एनपीके क्या होते हैं? अधिक गतिशील होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला प्रश्न, धान की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। धान की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक है, अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट और एमाइड उर्वरक। अगर मैं यहाँ राइट आंसर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा यहाँ अमोनियम उर्वरक। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल तो पैदा हुआ होगा कि अमोनियम उर्वरक ही सही क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं अमोनियम क्या होता है? NH4+। क्या होता है? NH4+। बाकी अगर हम नाइट्रेट की बात करें क्या होता है? NO3-। यहाँ दोनों होते हैं प्लस और माइनस, और यहाँ क्या होता है? यहाँ भी माइनस होता है। अब देखो यहाँ NH4+ है और मृदा जो मृतिका है उस पर कैसा आवेश होता है? माइनस, ऋणावेश। मृतिका पर कैसा आवेश पाया जाता है? तो आपको भी पता है ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश। जब हम खेत में इसका उपयोग करेंगे नाइट्रेट उर्वरक का, तो इस पर क्या चार्ज है? माइनस। इस पर भी क्या चार्ज है? माइनस। माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो पानी के साथ पोषक तत्व कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। लेकिन जो ये वाला उर्वरक है अमोनियम उर्वरक, ये मिट्टी से चिपक जाता है, पानी के साथ नीचे नहीं जाता, इसलिए इस उर्वरक को धान की फसल हेतु सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। और धान में पानी का उपयोग क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना अगर आपसे कोई पूछे
कि अमोनियम उर्वरक को दान के लिए उपयुक्त क्यों माना गया है, तो आप लोग इसका रीजन दे सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो अपना प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। भारत की प्रति हेक्टेयर पीड़क नाशी खपत है। काफी अच्छा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी पर भी इसका उत्तर आएगा। भारत की प्रति हेक्टेयर पीड़क नाशी खपत है। अब सबसे पहला सवाल तो हमारे आगे यही पैदा हो गया कि सर पीड़क नाशी क्या है। तो पीड़क नाशी बे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको फसलों में रोग कीट एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या है, पीड़क नाशी है। और भारत की पीड़क नाशी खपत कितनी है, तो ध्यान रखना 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है, 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी हमारे देश में एक हेक्टेयर क्षेत्र में औसत 600 ग्राम पीड़क नाशियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जीवधारियों के संयोजी ऊतक किस प्रोटीन के बने होते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, जीवधारियों के संयोजी ऊतक किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब संयोजी ऊतक की बात आ गई है तो आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। संयोजी ऊतक आपके बने होते हैं कोलेजन नामक प्रोटीन के। अगर हम ऊतकों की बात करें तो किसके बने होंगे, कोलेजन प्रोटीन के। अगर मैं बाल की बात करूं, हमारे जो बाल हैं और हमारे जो नाखून हैं, बाल और नाखून किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं क्रिएटिन प्रोटीन के। दूसरी अगर मैं बात करूं हमारी जो मांसपेशियां हैं, क्या स्टूडेंट्स, मांसपेशियां किसकी बनी हुई होती हैं, तो ये बनी हुई होती हैं मायोसिन नामक प्रोटीन की। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं हिम, एक हिम और है, हिम से क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो रक्त है, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान रखना हिम नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है। काफी अच्छा प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है, तो यहां अपना राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 60 दिन। वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनकर के तैयार हो जाती है, तो 60 दिन में बनकर के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर। अब फर्स्ट जो प्रश्न था उसके 16 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। ऑब्जेक्टिव हमें कितने पूछे जाते हैं, 16 पूछे जाते हैं, 16 कंप्लीट हो गए। अब सबसे कठिन जो प्रश्न होते हैं वो हमारे ये होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये सबसे कठिन होते हैं और हमारे जो परसेंटेज को प्रभावित करेंगे वो इसी तरह के प्रश्न होंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्नों में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। अब इसे ध्यान से सुनना इनको, मैं किस तरह से आपको सॉल्व कराता हूं। चलिए पहला प्रश्न क्या है अपना, पहला प्रश्न है थल मंडल की सबसे ऊपरी बाहरी ठोस पदार्थ कहलाती है। थल मंडल का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी। पृथ्वी जो है उसकी भूपरपटी है, सबसे ऊपरी पद क्या है, भूपरपटी है। थल मंडल की सबसे ऊपरी बाहरी ठोस पदार्थ, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं भूपरपटी। ठीक है, दूसरा कुल धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग मुख्य धनायनों द्वारा ग्रहित होता है उसे कहते हैं। अब उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नर्दा प्रतिशत वे संतृप्ति। क्या कहते हैं, नर्दा प्रतिशत बेस संतृप्ति, बेस संतृप्ति। ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, यानी जो हमारी मिट्टी में कुल धनायन विनिमय क्षमता है उसमें से मुख्य धनायनों का जितना भाग है वो क्या कहलाता है, नर्दा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं खाली जगह प्रतिशत बेस संतृप्ति पर सर्वाधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। खाली जगह प्रतिशत बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे ज्यादा प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस पर होगा, 50% बेस संतृप्ति पर। अगर 50% बेस संतृप्ति है तो इसका मतलब मृदा में 50% अम्ल है और 50% क्षार है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं जिप्सम का रासायनिक सूत्र खाली जगह होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ध्यान रखना CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O।
नेक्स्ट में अगर बात करूं कार्बन की खोज किसने की, कार्बन की खोज तो ये की थी सास ने, किसने की थी, सास ने की थी। नेक्स्ट में अगर बात करूं जस्ते की कमी, जस्ते की कमी से धान में खाली जगह रोग होता है, जस्ते की कमी से धान में रोग होता है, कौन सा रोग होगा धान में, आप लोगों को पता है खैरा रोग होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं म्यूरेट ऑफ पोटास में खाली जगह प्रतिशत नत्रजन पाया जाता है, नत्रजन का मतलब नाइट्रोजन, कितना पाया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास में, तो म्यूरेट ऑफ पोटास में नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें क्या होता है ध्यान रखना पोटेशियम होता है, ये क्या होगा पोटेशियम होगा, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता। और पोटेशियम की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो वो कितनी होती है 60% होती है, ये नाइट्रोजन नहीं है ये पोटेशियम है, कितना होगा 60% होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं डीएनए मुख्यतः खाली जगह में पाया जाता है, डीएनए कहां पाया जाता है तो आप लोगों को पता है केंद्रक, डीएनए कहां पाया जाता है ये केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं माल्टोज के जल अपघटन पर दो अणु के प्राप्त होते हैं, माल्टोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो किसके दो अणु प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना ग्लूकोज, किसके दो अणु प्राप्त होंगे हमें, तो ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। जब हम माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो दो अणु किसके प्राप्त होंगे, ग्लूकोज के। सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो एक अणु ग्लूकोज एक अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होगा CXH2O, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CXH2O होता है। ये हमारे दूसरे प्रश्न के सभी 10 प्रश्न हुए जिनमें हम बात की थी फिल इन द ब्लैंक्स, ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं हमारे। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, और तीसरे प्रश्न के जो हमारे प्रश्न हैं वो वन लाइनर होते हैं, इनके उत्तर हमें या तो एक शब्द या फिर मैं कहूं एक पंक्ति में देने होते हैं। जैसे मैं कुछ मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूं जो हमारे इस मॉडल पेपर में सम्मिलित हैं, किस तरह से आंसर देने वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न अपना कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, कोलाइडी कणों का आकार तो ये आपने पढ़ाई कितना होगा 1 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन, कितना होता है 1 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं धनायन विनिमय की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है, काफी अच्छा प्रश्न है, धनायन विनिमय की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी धनायन विनिमय वाली तो मैंने आपको वहां कराया भी होगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है विद्युत गतिकी सिद्धांत, किस सिद्धांत पर की जाती है ध्यान रखना विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है, धनायन विनिमय की व्याख्या विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं वह प्रतिरोध क्या है, ये मैंने पहले भी कराया है एक मॉडल पेपर में मैंने पहले भी कराया है वह प्रतिरोध क्या होता है, मृदा में अम्ल या पीएच के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, मृदा में पीएच परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोध कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा, यानी ऐसे याद रख लो कि हम मिट्टी में कोई भी पदार्थ मिलाएं उससे मिट्टी के पीएच में परिवर्तन ना हो वह गुण क्या कहलाएगा, उभय प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लवणीय जल की परिभाषा लिखिए, अब आप लोग बहुत आसानी से लिख दोगे वह जल जिसमें लवण पाए जाते हैं क्या कहलाता है, लवणीय जल कहलाता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना हमें, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि वह जल जिसकी ईसी का मान क्या होगा 4 से अधिक होता है, वह जल जिसकी ईसी का मान 4 से अधिक होता है तथा विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता यानी ESP 15% से अधिक होती है वो क्या कहलाता है, लवणीय जल कहलाता है। और मैं बता दूं इसकी जो RSC का मान है RSC वो 2.50 से क्या होगा अधिक होगा, 2.50 मिली तुल्यांक प्रति लीटर से अधिक। परिभाषा कैसे लिखोगे, परिभाषा लिखोगे वह जल जिसकी ईसी का मान 4 से अधिक, ESP का मान 15 से अधिक तथा RSC का मान 2.50 मिली माइक्रोन से अधिक होता है, मिली तुल्यांक प्रति लीटर से अधिक होता है वो क्या कहलाता है, लवणीय जल कहलाता है, क्या कहलाएगा, लवणीय जल कहलाएगा। इस तरह से तुम्हें परिभाषा लिखनी है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आंसर भी इसका काफी टिपिकल है याद करने में, ठीक है ध्यान रखना। अगला है जीवांश पदार्थों में लिग्निन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, काफी अच्छा प्रश्न है, जीवांश पदार्थों में लिग्निन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं लिग्निन की मात्रा कितनी होती है,
20 से लेकर के 30%, 20 से लेकर के 30% लिग्निन पाया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं सबसे कम जहरीले कृषि रसायनों पर चेतावनी किस रंग से अंकित होती है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, सभी लोगों को आंसर पता होगा, किस रंग से होती है, हरे रंग से होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं पॉलीपेप्टाइड को परिभाषित कीजिए, पॉलीपेप्टाइड क्या है, आपने दो दिन पहले मेरी क्लास देखी होगी प्रोटीन वाली, तो उसमें मैंने कराया है। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, उच्च अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, बोलक होते हैं, या मैं कह सकता हूं कि ऐसे अमीनो अम्ल, या मैं कह सकता हूं कि बे अमीनो अम्ल, या मैं कह सकता हूं कि बे पेप्टाइड, जिनमें 10 से 20 क्या होते हैं अमीनो अम्ल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। बे पेप्टाइड जिनमें 10 से 20 अमीनो अम्ल होते हैं तथा जिनका वजन 10,000 डाल्टन से अधिक होता है, क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड का वजन 10,000 डाल्टन से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट, लूसर्न की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कितनी होती है, अगर मैं लूसर्न की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता की बात करूं तो कितनी होगी, 100 से लेकर के 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखना लूसर्न की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कितनी होगी, 100 से लेकर के 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी खेत में लूसर्न उगाते हैं तो वो उस खेत में लगभग 100 से 300 किलोग्राम नाइट्रोजन क्या कर देगी, पैदा कर देगी एक साल में, कितनी, 100 से लेकर के 300 किलोग्राम नाइट्रोजन पैदा कर देगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, ये हमारे मॉडल पेपर के सारे प्रश्न हुए। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर, जो 4 से लेकर के 20 तक के प्रश्न है वो काफी बड़े बड़े हैं, वो मैं यहां नहीं करा सकता आप लोगों को, वो प्रश्न कहां मिलेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, वहां आपको सारी चीजें व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। जाने से पहले आपको एक मुझे सवाल बताना है, आपको बताना है कि जो भूसा होता है उसका CN अनुपात कितना होता है, केमिस्ट्री का ही प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट करना है मुझे इसका उत्तर, भूसे का CN अनुपात कितना होता है, जाने से पहले। चलिए आज की तरह काफी है और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। थैंक यू।